जो स्किट मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस ने प्रिपेयर किया बड़ा कमाल का था। एक कितना अच्छा मैसेज था जो हम लोग हर रोज़ देखते हैं महसूस करते हैं उसको उन्होंने इंटैक्ट करके किया। और बड़ी कमाल की बात ये थी कि जितने लोगों ने प्रिपेयर किया वो सब मुंबई पुलिस के ही लोग हैं और इतनी अच्छी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुंबई पुलिस ने मुझे इस ट्रैफिक अवेयरनेस की जो ड्राइव है वीक है उसका मुझे हिस्सा बनाया। एंड आई एम ग्लैड कि हम लोग वो मैसेज लोगों तक पहुंचा सके। देखिए इसीलिए ये ऐसी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि हमें मालूम है कि किन गलतियों के कारण ये दुर्घटनाएँ होती हैं लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अपने सामने होता हुआ देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो अवेयरनेस हर घर हर एक इंसान तक पहुंचे तो दुर्घटनाएं कम होंगी और लोग ज़्यादा सेफ हो पाएंगे रोड पर। मुंबई पुलिस ने जो स्ट्रीट में प्रिपेयर किया कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले बोलते हैं कि पुलिस में आपने कंप्लेंट किया, पहले दर्ज किया कि नहीं, कितना तक? देखिए मुझे लगता है कि अभी वो कम हो गया। पहले एक समय में होता था कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया लोग हाथ उठाते तो कहीं उसको प्रॉब्लम आता था या हॉस्पिटल्स में नहीं होता। बट आई थिंक नए रूल्स रेगुलेशंस ऐसे आए हैं जहाँ पे सबसे पहले जो जो पेशेंट है जो भी जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसकी जान बचाना ज़रूरी है, बाद में हर चीज़ हर प्रोसेस फॉलो होगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान हर एक डॉक्टर हर एक पुलिस वाले जितने लोग हैं हर एक नॉर्मल नागरिक भी है उस चीज़ को समझता है कि जान बहुत इंपॉर्टेंट है बचाना और आई थिंक उसी के लिए ये सब अवेयरनेस की जा रही है। आई थिंक रोड सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो अपने घर में अपने फैमिली में आपके बच्चे हैं आपके दोस्त हैं आपके भाई बहन हैं उनको उस चीज़ का अवेयरनेस देना ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवेयरनेस सबको मालूम है, सबको मालूम है सीट बेल्ट है लेकिन वो उनको लगता है कि ये कंफर्ट मेरा जो ख़त्म हो रहा है इसलिए वो पीछे से सीट बेल्ट लगाते हैं। और उनको पता है कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग लोगों के चलने के लिए लगे हैं लेकिन गाड़ी वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे आके खड़ी करेंगे, तो पता सबको है लेकिन वो कहीं ना कहीं रोड पर आके भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जैसे आप घर से पहले निकलते हैं आप सबसे पहले मंदिर जाते हैं प्रार्थना करते हैं घर वालों को बाय बोलते हैं, उसी तरह जब आप रोड पे निकलते हैं सबसे पहले जितने रोड के नियम हैं उसको वापस याद कर लें कि भैया ये चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे खुद के लिए नहीं, लोग जो दूसरे घर से बाहर निकले हैं अपने सपने पूरे करने के लिए अपने काम के लिए उनकी सेफ्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे सड़कों पर। मुंबई पुलिस सब कुछ बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखती है और हमेशा उनको अच्छा बताया जाता है कि मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लेती है और ये जो इनिशिएटिव और अलग तरीके से अपना रिप्रेजेंट किए हैं उनके बारे में क्या? देखिए बहुत अच्छा थॉट है, लोग बोलते हैं ना कि अगर आप किसी को आप ज्ञान देना चाहोगे तो लोग ज्ञान लेना नहीं चाहते, उनको सबको लगता है कि बहुत ज्ञानी मुझे सब पता है मुझे क्यों बता रहे हो। लेकिन ये जो इनिशिएटिव होता है ये जो ड्राइव्स होती हैं ये जो अवेयरनेस कैंप्स होते हैं वो इसलिए ज़रूरी हैं कि आपको याद दिलाना कि क्या आपके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने कितने ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम जितने लोगों तक मैसेज पहुँचा रहे हैं आपके ज़रिए या अपने ज़रिए जितने लोग सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर अगर हम इनमें सब में से एक जाने को भी वो मैसेज दे पाए कि भैया रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है तो आई थिंक हमारा जो मकसद अब हल हो गया। सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा अपकमिंग प्रोजेक्ट है कि हम और इस हर ड्राइव को हर जगह लेके जाएं और सेफ्टी रखें। बट या मैं जो फिल्मों की बात भी ज़रूर करूँगा जब वो आएगा, बट आई थिंक ये आज सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है मेरा। देखिए भाई मैसेज जो ये सब उन्हीं लोगों के लिए जो रूल नहीं फॉलो करना चाहते कि भैया रूल्स फॉलो करो खुद के लिए नहीं लोगों की सेफ्टी के लिए।